नमस्कार, ओम सैराम। साई की कहानी साई भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम सैराम। मैं शिरडी से साईली अरविंद माहेश्वरी। श्री साई कृपा चैरिटेबल ओडिशा भुवनेश्वर शिशुपालगढ़ के प्रमुख साई भक्त श्री सदा शिवदास और साई भक्त श्री आशीष बड़जेना, इन्होंने श्री साई बाबा संस्थान शिरडी को कोविड सुरक्षा सामग्री और अन्य दान के लिए 2 लाख रुपए की राशि दान की है। साई बाबा संस्थान के माजी ट्रस्टी श्री सचिन भाव व साई बाबा संस्थान के उप मुख्य अधिकारी श्री रविंद्र ठाकरे जी ने साई बाबा संस्थान की ओर से उनका स्वागत किया है। मैं शिरडी से साईली अरविंद माहेश्वरी। मनोकामना मेरा ऐसे घर से जब निकला हूँ, ऐसे बाबा को दर्शन करने के लिए आया था। जब उतरा मनमार से, मन में आया कुछ करना है कोरोना के लिए। जो मास्क और ग्लोव सैनिटाइजर कुछ भक्त लोगों को देना है, जो इधर सीढ़ी पे जो सिक्योरिटी लोग जो हम जब भक्त लोगों का जान खतरा में डालते हैं, वो लोग के लिए कुछ जो ट्रस्ट में कुछ मन में आया देने के लिए। तो अपना जो राजू भाई है उससे मैं बात किया, ऐसे ऐसे करना है। वो एक बात करके 1 लाख का कुछ परचेज किया, वो ट्रस्ट को देने के लिए ये हम लोग किया है। जो बाबा का जो डोनेशन देंगे वो पैसा से खरीद के वो ट्रस्ट जो हमारा सिरडी ट्रस्ट में दिया गया है। क्या क्या दिया आपने, कितने का दिया? 1 लाख का और सैनिटाइजर ग्लोव्स डिमांड किए थे ट्रस्ट वाले, ग्लोव्स ज़्यादा कम मिला, जो मिला है दे दिया। और मास्क कहाँ से खरीदे? वो एक मेडिसिन दुकान होलसेलर राजू भाई का जान पहचान है, उससे खरीदा। अन्नदान में जो अपना छोटा सा ट्रस्ट है और भुवनेश्वर उड़ीसा में मेरा छोटा सा मंदिर भी है और ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का पैसा से कुछ अन्नदान के लिए चेक दिया गया है कल 50,000 का मंदिर पे, जो भक्त लोग आते हैं अन्नदान के लिए दिया गया। ऐसा डोनेशन करते हैं बाबा के दरबार में तो कैसा फील होता है, क्या? बहुत अच्छा लगता है। बाबा का दरबार पे जो पैसा जाता है ना, बहुत अच्छा, मन में सुकून आता है, बहुत शांति मिलता है। लेकिन